अब मेलिंग टैब में जाकर कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स को समझते हैं। मेलिंग टैब पर क्लिक करें, एक रिबन खुलेगी। मेलिंग शुरू करने के लिए आप स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में जाएं और स्टार्ट मेल मर्ज कमांड पर क्लिक करें। आप कई ऑप्शंस की लिस्ट देखेंगे। लेटर्स, इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब होता है जब हम एक ही जैसे संदेश वाले पत्र तैयार करना चाहें, लेकिन उन्हें प्राप्त करने वाले लोगों के नाम अलग अलग हो। ईमेल मैसेजेस, ये ऑप्शन तब इस्तेमाल होता है जब हम एक ही ईमेल को अलग अलग ईमेल एड्रेसेस तक पहुंचाना चाहे। एनवेलप्स यानी लिफाफा, अलग अलग लोगों को संबंधित किए गए पत्र तैयार हो जाने के बाद हम एनवेलप्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि अलग अलग नामों के एनवेलप तैयार किए जा सके। लेबल्स, इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब होता है जब हम पत्र को कोई लेबल, टाइटल या नाम देना चाहे। डायरेक्टरीज, इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम सारे महत्वपूर्ण शब्दों को एकत्रित करना चाहे। रेसिपिएंट्स यानी मेल प्राप्त करने वाले लोगों की लिस्ट तैयार करते वक्त हमें ग्रुप स्टार्ट मेल मर्ज में जाकर रेसिपिएंट कमांड सिलेक्ट करनी होगी। इस कमांड में दो ऑप्शंस है, टाइप न्यू लिस्ट। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर नई एड्रेस लिस्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। हमें हर एक रेसिपिएंट्स की विस्तृत जानकारी अलग अलग फील्ड्स में टाइप करनी होगी। हर बार एक रेसिपिएंट की विस्तृत जानकारी टाइप करने के बाद अगले रेसिपिएंट की जानकारी भरने के लिए न्यू एंट्री पर क्लिक करना होगा। तब और एक रो इंसर्ट हो जाएगा। तब उस रो में उस व्यक्ति की विस्तृत जानकारी टाइप कर ले। ओके पर क्लिक करते ही ये लिस्ट सेव हो जाएगी। इसे माई डॉक्यूमेंट में जाकर माई डेटा सोर्स नामक फोल्डर में उस फाइल को उचित नाम देकर सेव बटन पर क्लिक करें। अब वो लिस्ट सेव हो जाएगी। कमांड सिलेक्ट रेसिपिएंट में एक और ऑप्शन है जिसका नाम है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप पुरानी सेव की हुई कोई भी लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस लिस्ट के हर एक व्यक्ति के नाम अनुसार पत्र तैयार कर सकते हैं। लिस्ट तैयार होने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड्स कमांड इस्तेमाल की जाती है ताकि तैयार किए गए लेटर में रेसिपिएंट्स की सारी आवश्यक जानकारी इंसर्ट की जा सके। इस कमांड पर क्लिक करते ही सारी फील्ड्स की लिस्ट स्क्रीन पर आ जाती है। हम अपने लेटर के लिए जरूरी सारी फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी सिलेक्ट की हुई फील्ड्स अब लेटर में इंसर्ट हो जाएगी। एक बार आवश्यक फील्ड्स लेटर में इंसर्ट हो जाए, फिर हम सिलेक्ट की गई फील्ड्स के मुताबिक लोगों की जानकारी इंसर्ट करनी होगी। इस तरह से अलग अलग रेसिपिएंट्स को संबोधित किए गए लेटर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए हमें फिनिश और मर्ज कमांड पर क्लिक करना होगा। इस कमांड पर क्लिक करने पर हम तीन ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन की मदद से हम एक ही लेटर से ढेरों लोगों को संबोधित किए गए कई लेटर तैयार कर सकते हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने पर मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ कई सारे ऑप्शंस होंगे। अगर हम पहला ऑप्शन यानी ऑल को सिलेक्ट करते हैं तो लिस्ट में मौजूद सारे लोगों को संबोधित किए गए लेटर्स तैयार हो जाएंगे। अगर हम करंट रिकॉर्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो नई लिस्ट में मौजूद लोगों को संबोधित किए गए पत्र तैयार हो जाएंगे। अगर हम फ्रॉम टू ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो पत्र उन सारे लोगों को संबोधित हो जाएगा जिन्हें लिस्ट में सीरियल नंबर दिया गया है। फिनिश और मर्ज कमांड में दूसरा ऑप्शन है प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। इस ऑप्शन की मदद से हम लिस्ट में संबोधित सारे लोगों को लिखे गए एक ही लेटर की कई कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सेंड ई मैसेज। इस ऑप्शन की मदद से हम एक ही ईमेल को लिस्ट में सेव किए गए सारे ईमेल एड्रेसेस पर भेज सकते हैं।